किसी भी रूबी क्यूब में जाइए, आपको छः कलर मिलेंगे। कहीं पर भी जाइए आप, जब देखोगे इसको अगर नॉर्मल जो है छः कलर मिलेंगे। ये देखिए 2x2 का है मेरे पास, ये 2x2 छः कलर है इसमें, 1, 2, 3, 4 ऊपर 1, 5 और नीचे 6। कभी भी वाइट ऊपर रहेगा और नीचे येलो रहेगा। कितना भी आप उसको शफल कर दीजिएगा, उसको जब आप जोड़ेंगे तो वाइट ऊपर आएगा और नीचे येलो आएगा। अगर आपकी तरफ जो रेड आ रहा है, रेड आपकी तरफ आ रहा है तो अपोजिट में ऑरेंज रहेगा, और राइट में आपके ब्लू रहेगा और लेफ्ट ब्लू के अपोजिट में ग्रीन रहेगा। ये कलर आपको पहले याद रखना है। अगर कलर भूल गए कोई बात नहीं, आप सेंटर का कलर कभी चेंज नहीं होगा। सेंटर में अगर ऊपर वाइट है तो नीचे क्या है, नीचे क्या है मित्रों, अगर ऊपर आपको वाइट दिखता है तो नीचे येलो, वो कभी चेंज नहीं होता है। देखिए सब चेंज हो गया लेकिन वो बीच वाला कभी चेंज नहीं होता, बीच वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अभी आपने जैसे ये वाइट का है तो वाइट को हमेशा सेंटर में रखना, वाइट हमेशा ऊपर चाहिए। तो सबसे पहले हम वाइट को सॉल्व करेंगे, लेकिन वाइट को सॉल्व करते समय ये भी है कि साइड का भी जो परफेक्टली होना चाहिए। तो एक बार आप देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आपको आइडिया ये बीच का भी और ये दोनों को जोड़ दिया। तो सबसे पहले हम प्लस बनाएंगे, सबसे पहले हम प्लस बनाएंगे, बीच लाइन बन गया। देखो तो यहाँ पे दोनों मैच हो गया, यहाँ पे दोनों मैच। पहले आपका ये और ये और यहाँ पर ये पूरा माला तैयार हो गया, और प्लस ऊपर से वाइट भी तैयार हो गया और पहला माला भी तैयार। अब हम चलते हैं इसको उल्टा करने के, हम चलते हैं। अब हमें दूसरा माला तैयार करना है, जो है ना दूसरा माला उसको तैयार करना। तो ये हमने देखिए यहाँ पर दो कलर मिलेंगे, जहाँ पर दो कलर मिलेंगे उसी को पकड़ना है, ये इसको नहीं पकड़ना। ये दो कलर है कि यहाँ पर नहीं, यानी पीला नहीं आना चाहिए, बस पीला छोड़ के बाकी जो भी है ये दोनों को नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन है और ऑरेंज है, तो हमने ग्रीन को ग्रीन में दिया, और ऑरेंज कहाँ पर लेके आना है ये बताइए। ऑरेंज को हम यहाँ पर लेते हैं, कैसे लेके आएंगे यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर अब ये ब्लू है, ब्लू को कहाँ पर लेके आना है, ये ब्लू और ऑरेंज को कहाँ पर लेके आना है, इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर। तो अगर इसको निकाल के बैठा दे तो बहुत इजी रहा, जैसे यहाँ का दांत निकाल के यहाँ पे लगा दे तो बहुत इजी था। लेकिन अपने को एक फार्मूला से यहाँ का जो आप देख रहे हैं ऑरेंज, इसको हमें निकाल कर यहाँ पे लगाना है। तो फिर से फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक माला यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पे दोनों के दोनों कलर, यहाँ पे दोनों के दोनों कलर लग गए। एक करोड़ साल इसको लगेंगे सॉल्व होने के लिए। तो अभी आप देखिए कि हमारा दूसरा माला तैयार हो गया। देखिए मित्रों दूसरा माला तैयार हो गया है, थोड़ा नज़दीक आएंगे, थोड़ा देखिए दूसरा माला भी इसका तैयार हो गया है। ये एक तैयार हो गया, दूसरा माला तैयार हो गया है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे ताकि जब आप कभी इसको अकेले में सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्लस बनाना है, उसके बाद वाइड बनाना है, उसी के साथ में ये भी आपको सॉल्व करना है, सेकेंड फ्लोर का देखना है। अब यहाँ से हम जाएंगे और ऊपर से भी प्लस बनाएंगे। देखिए मित्रों ये भी हो गया, देखिए यहाँ पे तो ये हो गया आपका, ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया, यहाँ पर भी। अब कहाँ पे बाकी है, अभी कहाँ बाकी है, अब बस हाँ तो थोड़ा सा बाकी है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं।
सिर्फ एक ही बचा है मित्रों, सिर्फ एक बचा है। तो इसको हमने घुमा लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, फार्मूला है, साइंस है, और उस साइंस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये स्माइली फेस के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा, ये स्माइली फेस भी आपका है, ये भी आपका है, और ये भी हमारी तरफ से यादगार, यादगार।